आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश इन दिनों कोविड की दूसरी लहर की मार झेल रहा है। ये लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से अब ना तो समय पर अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और ना ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को घर पर सुरक्षित रखें। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि इस वायरस के शिकार वो लोग हुए हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। एक बेहतर इम्यून सिस्टम का मतलब ये नहीं कि वो वायरस को शरीर में घुसने से रोक सकता है, बल्कि वायरस से लड़ने में मदद करता है। इसलिए कई तरीके ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली ऐसी चीजें जिनको आप खाकर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वायरस को हरा सकते हैं। इनमें सबसे पहला है लहसुन। लहसुन काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसमें एलिसिन नामक ऐसा तत्व होता है जो शरीर को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम बनाता है। अगला है पालक। पालक में फोलेट नामक एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में नई कोशिकाएं बनाने के साथ कोशिकाओं में मौजूद डीएनए की मरम्मत का भी काम करता है। आयरन, फाइबर, आयरन, विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखता है। बात करते हैं मशरूम की। मशरूम व्हाइट ब्लड सेल्स को सक्रिय रखने में सहायक होता है। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट तत्व, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन और नाइसिन नामक तत्व होते हैं। अगला है गिलोय का काढ़ा। करीब 4 इंच लंबाई में गिलोय का तना ले लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। फिर 4 कप पानी में 1/4 चम्मच हल्दी के साथ उस पेस्ट को उबाल लें। ये ध्यान रखें कि ढककर नहीं उबालना है। जब उबलते हुए 1 कप बच जाए तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट इसे पिए। फिर देखिए कैसे आपका इम्यून सिस्टम तेज होता है। बात करते हैं आंवले के चूर्ण की। 1/2 चम्मच आंवले का चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट पीने से फायदा होता है। इसे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पाचन भी सही रहेगा। बात करेंगे त्रिफला चूर्ण की। 1/2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ शाम को ले लें। आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी में इजाफा हुआ है। बात करते हैं गर्म पानी के सेवन की। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त गुनगुना पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। अगली बात करते हैं घर के मसालों की। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए खाने में हमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी को पानी में मिलाकर पिएं। बात करते हैं योगासन की। हर दिन घर पर योग और मेडिटेशन करने से हमारा शरीर एक्टिव रहता है और फेफड़े मजबूत होते हैं। बात करते हैं जंक फूड से बचने की। फिलहाल कुछ दिनों तक जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, ना बच्चों को खाने दें। इससे हमारा शरीर कमजोर होता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का और आसानी से डाइजेस्ट हो सके। बात करते हैं काढ़े की। अगर किसी को सर्दी या जुकाम है तो वो घर पर काढ़ा बनाकर पी सकता है। काढ़े में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का डालकर बनाए गए काढ़े से हमारे शरीर में वायरस को मारने में मदद मिलती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। बात करते हैं विटामिन ए की। ये आंतों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा विटामिन ए आँखों के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। गाजर, शकरकंद, ब्रोंकली, पालक और लाल शिमला मिर्च में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा होता है। इसके लिए रोजाना अपनी डाइट में नींबू, संतरे, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक और ब्रोंकली जैसे फलों और सब्जियों को शामिल करें। चूंकि विटामिन सी का उत्सर्जन नहीं होता और ना ही इसे स्टोर किया जा सकता, इसके लिए विटामिन सी का रोजाना सेवन जरूरी है। विटामिन सी सप्लीमेंट का सेवन बिल्कुल ना करें। बात करते हैं विटामिन ई की। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर को संक्रमण के हमले से बचाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विटामिन ई का इस्तेमाल त्वचा के लिए किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण भी पाए जाते हैं जो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में भी अपनी बदलाव कर लेनी चाहिए।
क्या करना है, रात को सोते समय गुनगुने पानी से गरारे करें। दिन भर बाहर रहने से भी वायरस या बैक्टीरिया नाक और मुंह के माध्यम से गले तक पहुंचता है, वह गरारे से खत्म हो जाएगा। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन 15 मिनट से 30 मिनट तक अनुलोम विलोम या सूर्य नमस्कार करें, बहुत फायदा मिलेगा। पर्याप्त नींद लीजिए, नींद से समझौता बिल्कुल ना करें। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं वो बीमार नहीं होते। दूसरा, स्मोकिंग और शराब पीने से आप बचे। ये था आयुर्वेद समाधान। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे और तरीके एक्सपर्ट्स और वैद्य की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।